खबर दिल्ली से। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज फिर दिल दहलाने वाली घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसमें एक युवक के चाकू से गोद कर हत्या करने का प्रयास किया गया। युवकों को जीटीबी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार के अंतर्गत त्रिलोकपुरी निवासी मोहम्मद अफसर व साबिर को बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या करने के प्रयास की। घायल अवस्था में युवकों को जीटीबी में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। परिवार का कहना है कि हमले में करीब 10 लोग शामिल थे, पर पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि हाल में ही त्रिलोकपुरी में एक जिम ट्रेनर की भी हत्या बदमाशों के द्वारा कर दी गई थी। आए दिन इन घटनाओं को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर संदेह होता है। आपको बता दें कि सितारगंज तहसील कार्यालय में काम कर रहे 6 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने समस्त कर्मचारियों के सैंपल जांच के लिए उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम तहसील कार्यालय में कोरोना संक्रमण जांच सैंपलिंग के लिए पहुंची थी। यहां टीम ने तहसील कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया, जहां जांच में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। सर, हमारे छोटे भाई को सुबह 3:30 बजे तारीख 14 को सुबह 3:30 बजे घर से दूसरे व्यक्ति आए, बोला नाम लेके आवाज मारी, उसके बाद में हमारा भाई उनके साथ चला गया। फिर उसके बाद पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। सुबह 6 बजे करीब हमारे पास मैसेज आया कि तुम्हारे भाई को कुछ व्यक्ति बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। हम लोग घर से भागे। हमने घर पर से जाने के बाद वहाँ देखा तो हमारे को मौके पर कोई नहीं मिला, ना कोई हमारा भाई नजर आया, ना मारने वाला कोई नजर आया। उसके बाद में हम लाल बहादुर गए। लाल बहादुर जाने के बाद में हमने वहाँ पता निकाला कि भाई किसी व्यक्ति को यहाँ लेके आए, तो वहाँ पे हमारे साबित नाम है और वहाँ पे हमारे को कुछ बताया नहीं उन लोगों ने, हमें कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद में हमने PCR कॉल करी। PCR कॉल करने के बाद सर फिर हमारे को पता लगा कि आप फेसवन थाने जाइए, वो लोग आपको बताएंगे। हम फेसवन थाने आए। थाने आने के बाद हमारे को विवेक सर मिले। विवेक सर ने हमारे को बोला कि आपका भाई छोटा वाला GDB हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तब हम GDB हॉस्पिटल पहुँचे सर। उसके बाद में अभी तक कोई ना तो उसको कोई इलाज दिया गया, और वहाँ पे हमने जब वहाँ पहुँचे जिस हालत में उसको देखा, ऐसी कंडीशन थी, इतनी बुरी कंडीशन थी, ब्लड बह रहा था। कहाँ कहाँ चोट के निशान थे सर? पूरे सर में गाल फटा हुआ, यहाँ से चाकू मार रखा है, गाल फाड़ रखा है, सर में बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर है। कितने चाकू मारे थे सर? एक साइड से ही नजर आ रहा था फटा हुआ गाल, बाकी तो कपड़ों के अंदर बॉडी थी। क्या नाम है? क्या नाम था? मोहम्मद अफसर नाम है। उस साल कितनी उम्र है? 30 साल उम्र है। जो ये मारने वाले लोग हैं ये कहाँ के हैं? ये सर त्रिलोकपुरी क्षेत्र के ही है। पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या बता रही है आपको? सर पुलिस वालों ने सिर्फ एक बंदे को केशव नाम के लड़के को गिरफ्तार करा हुआ है। उसके बाद में हम उनको बोला ये 10-12 जने हैं, इसमें से आपने सिर्फ अब तक एक ही बंदे को गिरफ्तार करा है, कह रहे हैं हम तलाश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को DCP साहब ने नाम भी गिना है, एक का नाम चीकू है और एक का नाम नितिन है, एक सोनू है, सागर है, इस तरीके से उन्होंने 7-8 नाम गिनाए हमारे को, लेकिन एक ही बंदा गिरफ्तार है।